नमस्कार, मी विलास बड़े। या बुलेटिन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी रेल्वेच्या संदर्भातली। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज रेल्वे मंत्रालयाची अत्यंत महत्त्वाची पत्रकार परिषद होणार आहे। काही वेळातच या पत्रकार परिषदेला सुरुवात होणार आहे। कोरोनाच्या काळात या पत्रकार परिषदेत रेल्वे मंत्री नेमकं काय बोलणार आहेत आणि कुठल्या घोषणा करणार आहेत याकडे अवघ्या देशाचं लक्ष लागलंय। खरं तर देशभरामध्ये अडकलेल्या अनेक मजुरांसाठी रेल्वे धावून आलेली आहे। अनेक रेल्वेंच्या माध्यमातून या मजुरांना आपल्या गावी पाठवलं जात आहे आणि अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये आता चौथा लॉकडाऊनमध्ये आपण पोहोचलेलो आहोत। चौथा लॉकडाऊन सुरू आहे आणि या लॉकडाऊनच्या नंतर रेल्वेची नेमकी काय रणनीती असणार आहे। खरं तर जी माहिती मिळाली त्यानुसार 200 पेक्षा जास्त रेल्वे सोडल्या जाणार आहेत 1 जूनपासून असं कळलं। पण आता रेल्वे काय निर्णय घेते, काय घोषणा आज या संदर्भात होतात हे पाहणं तितकंच महत्त्वाचं असणार आहे। आणि स्वाभाविकपणे रेल्वे ही या देशातल्या कोट्यवधी लोकांना जोडणारी एक लाईफलाईन आहे आणि या लाईफलाईनवरून अनेकांचं आयुष्य उभं राहिलेलं आहे। अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये लॉकडाऊनला सामोरं जाणारा देशातला मजूर वर्ग असेल किंवा नोकरदार असतील, प्रत्येक जण हा रेल्वेचा प्रवासी असतो आणि त्यामुळेच रेल्वेच्या या पत्रकार परिषदेकडे सगळ्यांच्या नजरा आहेत। प्रशांत लीला रामदास आपले दिल्लीचे प्रतिनिधी आहेत, आपल्यासोबत आहेत। प्रशांत, काय शक्यता आहे? थोड्याच वेळामध्ये केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयातील एक अत्यंत महत्वाची पत्रकार परिषद भारतीय रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष घेणार आहेत आणि खास करून ज्या पद्धतीनं बघितलं जातंय की सर्व श्रमिक असो किंवा स्थलांतरित मजदूर असो यांना घरापर्यंत पोहोचवण्याचं काम ज्या पद्धतीने रेल्वेच्या माध्यमातून होतोय त्यामुळे या पत्रकार परिषदेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे। एकीकडे ज्या पद्धतीनं सगळं आरोप लगावला जातो त्या भारतीय रेल्वेकरती की यांनी योग्य पद्धतीने सर्वसामान्य नागरिकांना पोहोचवलं नाही किंवा स्थलांतरित मजुरांना पोहोचवलं नाही, त्या संदर्भातलं काही उत्तरं आजच्या पत्रकार परिषदेत देऊ शकतात आणि सोबतच अतिरिक्त ज्या श्रमिक ट्रेन असेल किंवा सर्वसामान्य सुविधा असेल, लोकल असेल, मेट्रो असेल, या संदर्भात देखील आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये निश्चितपणे जेव्हा उत्तर मिळण्याची शक्यता आहे। आणि सोबतच जर बघितलं आपण ज्या पद्धतीनं अजूनही पॅसेंजर सेवा अजून सुरू झालेली नाही आहे, फक्त स्पेशल ट्रेनच सुरू आहे, राजधानी ट्रेन सुरू आहे या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती, तर या पॅसेंजर ट्रेन केव्हा सुरू होतील त्याची देखील घोषणा होण्याची शक्यता आहे। नक्कीच, आणि मुंबईकरांना सुद्धा आशा अपेक्षा आहे की लोकलच्या संदर्भात काही घोषणा होते का, कारण मुंबईची जी लाईफलाईन आहे लोकल ती अजूनही ठप्प आहे। धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल। यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातून एक बातमी। केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांचे जावई माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी राजकीय संन्यास घेतलाय। सोशल मीडियावर व्हिडिओ टाकून हर्षवर्धन जाधवांनी राजकीय संन्यासाची घोषणा केली आहे। मागील वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत हर्षवर्धन जाधव यांनी औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती। अपक्ष उमेदवार असतानाही जाधव यांनी 3.5 लाखांपेक्षा जास्त मतं घेतली होती। 2009 विधानसभा निवडणुकीत मनसेच्या तर 2014 विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या तिकिटावर हर्षवर्धन जाधव कन्नड मतदारसंघातून आमदार झाले होते। लोकसभा निवडणुकीच्या आधी त्यांनी शिवसेना सोडली होती। आता पुन्हा एकदा त्यांनी राजकीय संन्यास घेण्याचा निर्णय घेतला। बातमी मुंबईतून आहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकात महाविकास आघाडीची महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली। राज्यातील परिस्थितीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला असून विशेषतः मुंबई ठाणे इथं काय उपाययोजना करण्यात आल्यात याची चर्चा करण्यात आल्याचं कळत आहे। तसंच मजुरांना घरी जाण्यासाठी अधिकच्या गाड्या मिळाव्या ही मागणी पुन्हा एकदा करण्यात आली आहे। मुंबईत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकल ट्रेन मिळावी यासंदर्भात निर्णय करणं आवश्यक असल्याचं मतसुद्धा या बैठकीत व्यक्त करण्यात आल्याचं कळत आहे। विशेषतः आता डॅशबोर्ड मुंबई महानगरपालिकेचा चालू झालेला आहे, त्यामुळं कुठेही मुंबईमध्ये कुठला बेड मोकळा आहे आणि कशा प्रकारचे त्या पेशंटला त्रास आहे त्या पद्धतीनं ICU पाठवायचं का नॉर्मल बेडमध्ये किंवा ऑक्सिजनेटेड बेडवर पाठवायचं या बाबतीत 10 डॉक्टरांची टीम मुंबई महानगरपालिकेत आता कार्यरत आहे। अशा अनेक गोष्टींचं ब्रीफिंग माहिती देण्यात आली। अतिशय उत्तमपणाने मुंबईमध्ये ॲम्ब्युलन्सची सेवा, जवळपास 330 ॲम्ब्युलन्सची सेवा आता चालू झालेली आहे। अशा बऱ्याच गोष्टी ज्या सुधारणा झालेल्या आहेत त्याचा आढावा घेण्यात आला।
आपण थेट दिल्लीत जातोय, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकार परिषद सुरू आहे. यूटीज को एक एडवाइजरी निकाली जिसमें उनको ये परामर्श दिया कि वे शीघ्रता से और संवेदनशीलता से तुरंत कदम उठाएं जिससे कि जो प्रवासी मजदूरों की आवाजाही होने का अंदेशा है वो ना हो, और प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर्स, आश्रय का, भोजन का, खान पान का और सभी आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करें. 28 मार्च को एक स्पेसिफिक ऑर्डर द्वारा राज्यों को परमिट किया गया कि जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है उसके अंतर्गत वे रिलीफ शेल्टर और फूड इत्यादि का प्रबंध कर सकते हैं. और जैसे मैंने आपके साथ पहले भी साझा किया है, 3 अप्रैल को 11,092 करोड़ से अधिक राशि स्टेट्स और यूटीज को रिलीज की गई. इसके साथ साथ एमएचए ने अपना एक 24/7 कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ लेवल ऑफिसर्स उसको सुपरवाइज कर रहे थे और उनके साथ बाकी सभी मंत्रालयों के भी अधिकारीगण थे. स्टेट्स और यूटीज को भी एडवाइस किया गया कि वे अपने कंट्रोल रूम्स लगाए और अपनी हेल्पलाइंस ऑपरेशनल करें और अपने नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट करें. 28 मार्च को और 30 मार्च को और एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 29 मार्च को भी ये ऑर्डर निकाला गया कि सारे स्टेट्स शेल्टर, फूड पैकेट्स, फूड ग्रेन्स, एसेंशियल आइटम्स और हेल्थ केयर का प्रबंध करेंगे हमारे प्रवासी श्रमिकों के लिए. उनको ये भी परामर्श दी गई कि जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं और रिलीफ कैंप्स के लोकेशंस हैं उसके बारे में जानकारी प्रवासी श्रमिकों के बीच फैलाएं. उनको ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो पैकेज है और जो जो रिलीफ मेजर्स वे और केंद्रीय सरकार ले रहे हैं उसके बारे में सबके बीच जागरूकता पैदा करें. जहां जरूरत है वहां परमानेंट कैंप्स के साथ साथ टेंटेड अकोमोडेशन भी लगाएं, जैसे कि हाईवेज पर. उनको ये भी कहा गया कि एक्शन ले जिससे कि ट्रक्स या बाकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल से अगर इलीगली गैर कानूनी ढंग से माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी एक्शन ले. एक बहुत जरूरी चीज 29 मार्च के ऑर्डर में ये थी कि जो जिलाधिकारी हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको उनकी जिम्मेदारी तय की गई कि वे इन सब आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. 12 और 14 अप्रैल को स्थिति देखते हुए स्टेट्स और यूटीज को ये भी एडवाइस दी गई कि कहीं अगर कहीं अफवाहें फैल रही है तो उसको वो रोकें. कुछ कुछ अफवाहें मद्देनजर आई थी जैसे कि खाने की कमी है या आवश्यक वस्तुओं की कमी है, ये सब की जो अफवाहें उसको रोकें और वो विशेष ध्यान दें कि जो हमारे रिलीफ शेल्टर्स है उसमें जितना भोजन की जरूरत हो वो उपलब्ध हो, सैनिटेशन वगैरह का वहां पे ध्यान रखा जाए. और इस पूरी मुहिम में उनको परामर्श दिया गया कि वो कम्युनिटी लीडर्स का भी सहयोग ले, वॉलंटियर्स का भी सहयोग ले और ट्रेन्ड काउंसलर्स का भी सहयोग ले. स्टेट्स और यूटीज ने मिलकर काफी रिलीफ कैंप्स सेटअप किए, बहुत लोगों को के खाने की व्यवस्था की, बहुत लोगों के आश्रय की भी व्यवस्था की. उसके बाद लॉकडाउन के दूसरे चरण में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई और इसके साथ साथ जिससे कि श्रमिकों को रोजगार मिले, एक 19 अप्रैल को ऑर्डर निकाला गया जिसके अंतर्गत माइग्रेंट्स का राज्य के भीतर कार्यस्थलों के लिए आवाजाही को अनुमोदित किया गया, उसकी अनुमति दी गई. दिल्लीतल्या या पत्रकार परिषदेवर आपली नजर असणार आहे. पुढ्यात इतर काही महत्त्वाच्या घडामोडींकडे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची आज राजभवनावर जाऊन भेट घेतली. राज्यपाल हे आमचे मार्गदर्शक आहेत, बऱ्याच दिवसांपासून भेट राहिली होती त्यामुळे सदिच्छा भेट घेतल्याचं राऊत यांनी या भेटीनंतर स्पष्ट केलं. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचे संबंध मधुर असल्याचंही राऊत म्हणाले. उदय सामंत यांनी परीक्षांसंबंधात मत व्यक्त केलं होतं, मात्र राज्यपाल हे कुलपती आहेत त्यामुळे चर्चा करून हा प्रश्न सोडवला जाईल असंही राऊत यांनी स्पष्ट केलं.
राजकारणात कुणीही कुणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात याचं प्रत्यंतर गेल्या काही महिन्यांपासून वारंवार येत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषद नियुक्तीवरून काही दिवसांपूर्वी संजय राऊत यांनी वेगळी प्रतिक्रिया दिली होती, पण आज संजय राऊत यांना राज्यपाल आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातलं नातं वेगळं दिसतं आहे. कारण काय म्हणाले होते संजय राऊत गेल्या महिन्यात आणि आज काय म्हणाले ऐकूयात. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचे संबंध जे आहेत ते अत्यंत मधुर आहेत. दोघांना एकमेकांविषयी प्रेम आणि आदर आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचे संबंध जसे पिता पुत्राचे असावेत तसेच आहेत आणि तसेच राहत. असं जर कोणी म्हणत असेल दरी वगैरे, अशा दऱ्या वगैरे का आमच्यामध्ये पडत नाही. आणि मला असं वाटतं की आपण दुसरा प्रश्न जो विचारला आहे की राज्यपालाने एक पत्र लिहिलं आहे, नाराजी व्यक्त केली आहे. उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या एका भूमिकेविषयी, उदय सामंत यांचं निवेदन मागाशी मी वाचलं. त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं, निर्णय घेतलेला नाही, हे आपल्याला सांगू इच्छितो. उदय सामंत यांनी आणि राज्यपाल हे कुलपती आहेत, विद्यापीठाचे प्रमुख आहेत, त्यांनी आपली भूमिका व्यक्त केली. मला वाटतं की दोघांमध्ये चर्चा होईल आणि शेवटी राज्यपाल जे सांगतील कुलपती असल्यामुळे विद्यापीठांचे, त्याबाबत सरकार संबंधित मंत्री निर्णय घेतील. तेव्हा आपण बघितलं की राजकारणामध्ये कशाप्रकारे मतमतांतर असले तरी कशी बदलत जातात. यानंतर वळत पुढच्या बातमीकडे की एकूणच आज ही जी राजकीय सगळी घडामोड झाली, या सगळ्या घडामोडीमध्ये संजय राऊत राजभवनावर गेले आणि त्यांनी ज्या प्रकारे ही भेट झाल्यानंतर सांगितलेलं आहे की कुठल्याही प्रकारचे मतभेद आमच्यामध्ये आता नाही आहेत आणि पिता पुत्राचं जसं नातं आहे तसंच मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांचं नातं आहे. राज्यपालांशी भेटीनंतर संजय राऊत यांनी एक ट्विट केलं आहे, बघूया राऊत काय म्हणाले. कोश्यारी हे माझ्यापेक्षा मोठी असल्यानं त्यांना हा नमस्कार आहे. तसा आमच्यात चांगला संवाद झाला. मी त्यांना सांगितलं काळजी करण्याचं कारण नाही. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार चांगलं काम करत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नेते मंडळींकडून खबरदारी घेतली जाते. मुख्यमंत्री स्वतःच गाडी चालवत होते, आता उपमुख्यमंत्री सुद्धा त्यांच्या गाडीचं सारथ्य स्वतः करताना पाहायला मिळत आहेत. बारामती इथल्या कोरोनाच्या उपाययोजनांची पाहणी अजित पवार यांनी केली. सर्व नियम काटेकोरपणे पाळताना ते दिसत होते. तसंच गाडी चालवताना विरुद्ध बाजूनं गाडी चालवत येणाऱ्यांनासुद्धा त्यांनी खडेबोल सुनावले. गोरेगावातील नेस्को मैदानावर कोरोना सेंटर उभारण्यात येणार आहे. या सेंटरची पाहणी पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी केली. 1240 खाटांचं कोरोना केंद्र इथं उभारलं जात आहे. राज्यात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्यानं पार्श्वभूमीवर पालिकेकडून या उपाययोजना सुरू आहेत. मुंबईत आता COVID-19 रुग्णांना खाटांची कमतरता भासणार नाही आहे, कारण अनेक शाळा, कॉलेज, मोठी मैदानं आणि खाजगी हॉस्पिटल सरकारनं ताब्यात घेतली असून सर्व ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर खाटांची निर्मिती केली जाते. मुंबईतील सुप्रसिद्ध आणि सर्वात जुनं महाविद्यालय सेंट झेवियर्स देखील सरकारनं ताब्यात घेतलं असून तिथं तब्बल 600 खाटांची निर्मिती केली गेली आहे. अवघ्या 2 दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या रमजान ईदच्या पार्श्वभूमीवर रॅपिड ॲक्शन फोर्सची एक तुकडी नाशिकच्या ग्रामीण भागात दाखल झाली आहे. त्यांनी स्थानिक पोलिसांसोबत मालेगाव, मनमाड आणि येवला इथं संयुक्तपणे रूट मार्च काढला. यावेळी कोणीही लॉकडाऊनचं उल्लंघन करू नये, ईद घरात साजरी करावी असं आवाहन केलं. नागपूर शहरातल्या रेड झोनमध्ये CRPF तैनात करण्यात आली आहे. रमजान ईदच्या पार्श्वभूमीवर 80 जवानांची तुकडी रेड झोनमध्ये तैनात करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्राकडे CRPFची मागणी केली होती. यानंतर आपण थेट दिल्लीला जाऊया. केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाची पत्रकार परिषद सुरू आहे. राज्यों के अंदर भी हमने ट्रेनें चलाई और उसमें करीब 10 लाख यात्रियों ने और ट्रेवल किया. तो इस तरह से ये जो आंकड़ा हमारा है 36 लाख और 35 लाख और 10 लाख,
करीब 45 लाख का आंकड़ा बनता है जो अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसमें ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के डेस्टिनेशन हैं, अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो इसमें यूपी और बिहार, ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसमें ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के डेस्टिनेशन हैं, अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो इसमें यूपी और बिहार, यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर हैं वो करीब 80% यात्रा उन्होंने इस दो स्टेट से किया है, और बाकी जो दूसरे स्टेट हैं वो भी इसमें दिख रहा है, मध्य प्रदेश, झारखंड और कुछ और भी स्टेट हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें दिख रहा है आपको, यूपी और बिहार में गए हैं, और 80% ट्रेन जो है यूपी और बिहार में गई हैं, और इस वजह से कुछ जो यूपी बिहार के नेटवर्क हैं उसमें कुछ कंजेशन भी आ रहा था, लेकिन हमने एक तरह से पूरा 24 घंटे इसको मॉनिटर करके और कुछ टर्मिनल्स पे, चूँकि ये एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है स्क्रीनिंग का, हेल्थ प्रोटोकॉल का, उस टर्मिनल में यात्रियों को उतारने में भी थोड़ी सी समय लग रहा था, उन सबको दुरुस्त करते हुए जो एक थोड़ा सा कंजेशन आया उन्होंने इस दो स्टेट से किया है, और बाकी जो दूसरे स्टेट हैं वो भी इसमें दिख रहा है, मध्य प्रदेश, झारखंड और कुछ और भी स्टेट हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें दिख रहा है आपको, यूपी और बिहार में गए हैं, और 80% ट्रेन जो है यूपी और बिहार में गई हैं, और इस वजह से कुछ जो यूपी बिहार के नेटवर्क हैं उसमें कुछ कंजेशन भी आ रहा था, लेकिन हमने एक तरह से पूरा 24 घंटे इसको मॉनिटर करके और कुछ टर्मिनल्स पे, चूँकि ये एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है स्क्रीनिंग का, हेल्थ प्रोटोकॉल का, उस टर्मिनल में यात्रियों को उतारने में भी थोड़ी सी समय लग रहा था, उन सबको दुरुस्त करते हुए जो एक थोड़ा सा कंजेशन आया था उसको भी ठीक करके ये सुचारू रूप से ये श्रमिक स्पेशल गाड़ियाँ चल रही हैं। ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके और जो उनके पास इस समय एक रिक्वायरमेंट है उसको भारतीय रेल और राज्य सरकारें एक साथ मिलके एक नेक्स्ट 10 दिनों के लिए, अगले 10 दिनों के लिए एक शेड्यूल बनाया है। आप देख सकते हैं इस कॉलम में हमने डेस्टिनेशन स्टेट का एक लिस्ट दिया है, एक ओरिजिनेटिंग स्टेट का लिस्ट दिया है। सो ओरिजिनेटिंग डेस्टिनेशन का एक मैट्रिक्स बना के अगले 10 दिनों में जो हमने ट्रेनें शेड्यूल करी हैं वो करीब 2600 ट्रेनें शेड्यूल करी हैं, और उसमें जो हमने ये अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख पैसेंजर्स को हम ट्रेवल करा पाएंगे, और इसके अतिरिक्त हमने सारे राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि अगर उनकी राज्य की सीमा में कहीं से भी अगर उनको ट्रेन अरेंज करनी है वो हम तुरंत अरेंज कराएंगे। हम अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हमने ट्रेन प्लेस करके रखी हुई है, एक तरह से रेक तैयार करके रखी है, और जैसे ही हमको कोई रिक्वायरमेंट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से हम विद इन स्टेट भी ट्रेन चलाने को तैयारी करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से जो नेक्स्ट 10 दिन का जो मेरा एक प्रोजेक्टेड आंकड़ा है उसमें 36 लाख ये जो सूचीबद्ध तरीके से इंटर स्टेट ट्रेवल और करीब 10 से 12 लाख जो विद इन स्टेट हम ट्रेवल का आंकड़ा रख के चल रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रेलवे ने व्यवस्था की हुई है इसके तहत जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो जहाँ भी हैं उनको वहाँ से गंतव्य स्थान पहुँचाने के लिए रेलवे ने पूरी व्यवस्था की है, और ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच जाएं। तो इस तरह से जो राज्य सरकारों के साथ मिलके जो समन्वय बना के भारतीय रेल ने व्यवस्था कर रखी है, अगले 10 दिनों में काफ़ी ये जो 36 लाख और 46 लाख श्रमिक भाइयों को हम उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचा पाएंगे। हमने 12 मई को कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई थी, 30 ट्रेन चलाई थी, उसमें जो अभी बुकिंग आ रही है करीब 97% की बुकिंग आ रही है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल हैं और जो स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल हैं, जो नीचे वाला ये पिक्चर है उसमें हमने एक ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग का अरेंजमेंट लगाया है जिससे कि थर्मल कैमरे से
वो पता चल जाता है। अगर किसी भी यात्री का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अपने आप फोटो के साथ इंगित कर देता है। तो इस तरह से सारे स्टेशनों पे हमने ये अरेंजमेंट कर रखे हैं। और जिस तरह से एक नॉर्मलसी की तरह बात चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, और उसकी तरफ हमने 1 जून से 200 और ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया है, और जिसके लिए कि हमने बुकिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। शुरू में हमने बुकिंग शुरू करी थी केवल ऑनलाइन, फिर धीरे धीरे जैसे कि ज़रूरत महसूस हुई, ऐसा हम लोगों को पता चला कि जो दूसरे श्रमिक भाई हैं या और लोग हैं कुछ ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, सो हमने सारे विंडोज़ खोलने का निर्णय लिया है। जितने भी बुकिंग काउंटर के विंडो हैं उनको खोला गया है, 1000 विंडो ऑलरेडी खुल चुके हैं, और सारे जोनल रेलवे को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ज़्यादा विंडो खोलें। उसके बाद से हमने जो रेलवे एजेंट हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उन सबको ये अनुमति दे दी है कि वो करें। और हमने ये भी अनुमति दे दी है कि जो हमारे रेलवे के 6000 से ज़्यादा स्टेशन हैं वहाँ पे सब जगह जो रेलवे के स्टॉल्स हैं उसको भी खोल दिया जाए, ताकि जो यात्री जर्नी करेंगे उनको दिक्कत होगी। ये एक एडवाइजरी ट्रेन पैसेंजर्स के लिए हमने दी है। इसको जगह जगह कोचेज पे डिस्प्ले किया, स्टेशन पे डिस्प्ले किया, हम उनको ये लीफलेट भी दे रहे हैं ताकि ये लोग अपना इस एडवाइजरी को फॉलो कर पाएँ। एक हमने ये कोविड केयर सेंटर के लिए कुछ कोचेज कन्वर्ट किए थे, 5000 कोचेज हमने तैयार किए हैं जिसमें करीब 80000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये जो कोविड केयर सेंटर के कोचेज हैं इनको हमें जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे यूज करना है। अभी चूंकि ये कोचेज यूज में नहीं थे तो हमने निर्णय लिया कि उसमें करीब 50% कोचेज को हम श्रमिक स्पेशल की तरह भी यूज कर लें, और 50% कोचेज को अभी भी हमने डिफरेंट जगहों पे रखा हुआ है कि जहाँ भी कोई इमरजेंसी आएगी तो यूज करेंगे। और ये कोविड कोच सेंटर, ये भी जो श्रमिक स्पेशल में यूज हो रहे हैं, एक बार ये भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको वापस ला के इसको कोचिंग कोविड केयर सेंटर की तरह यूज किया जा सकता है। ये हमने करीब 5000 बेड्स, 17 हॉस्पिटल्स हमने पूरा कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है जो रेलवे के हॉस्पिटल हैं। उसमें मुंबई का जगजीवन राम हॉस्पिटल है, कलकत्ता में एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, लखनऊ में एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है। तो इस तरह से करीब 17 हॉस्पिटल रेलवे के हमने इंडिपेंडेंट कोविड केयर हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है, और 33 हॉस्पिटल्स जिसमें हम ब्लॉक्स को आइसोलेट कर सकते थे उसको एक कोविड केयर ब्लॉक की तरह कन्वर्ट किया है। ये हमारा रेलवे का प्रयास है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स चल रहे हैं कोविड केयर के लिए उसमें हम अपना योगदान दे पाएँ। ये क्वारंटाइन फैसिलिटी करीब 10,500 बेड्स हमने अपने डिफरेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहाँ भी हम उसको स्पेयर कर सकते थे, ये भी एक हमारा एफर्ट है रेलवे का कि हम इसके लिए जो राज्य सरकारों के एफर्ट्स हैं उसमें हम इसको सप्लीमेंट कर पाएँ। एसेंशियल कमोडिटीज 24 घंटे हम लोग इस पे मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, चाहे फूड ग्रेन है, सॉल्ट है, ऑयल है, इस सबको मूवमेंट में हमने 24 घंटे काम किया। कोल, फर्टिलाइज़र जो कि पावर प्लांट्स के लिए कोल की ज़रूरत थी उसको मूव किया। फूड ग्रेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम नॉर्मल फूड ग्रेन मूव करते थे, जैसे कि अगर हमने पिछले साल इसी पीरियड में जो मूव किया था उससे करीब करीब दुगना फूड ग्रेन हमने इस समय मूव किया। उसके बाद से हमने एक ये नई पार्सल सर्विस शुरू करी, और इसका मकसद यही था कि जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज हैं, मेडिसिन हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, मिल्क, इन सबको हम एक टाइम टेबल पार्सल ट्रेन की तरह मूव कर पाएँ। तो ये एक रेलवे ने पहल की और ये कोशिश करी कि हम जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसको वहाँ पहुँचा पाएँ। हमने जो कोविड के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, पीपी की शुरू में देश में बहुत दिक्कत थी, तो भारतीय रेल ने एक ये पहल की और हमने अपने वर्कशॉप में खुद पीपी तैयार करना शुरू किया। 1,20,000 पीपी हम बना चुके हैं, करीब 4,000 डेली हम बना पा रहे हैं। मास्क हमने बहुत बड़े स्केल पे बनाया, सैनिटाइजर्स बनाए, हैंड सैनिटाइजर बनाए, जिसको कि हमने यूज किया अपने भारतीय रेल के कर्मचारियों के लिए, और भारतीय रेल परिसर के आसपास जो ज़रूरतमंद लोग रह रहे हैं उनको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया।
जो भारतीय रेल परिसर के आसपास और भारतीय रेलवे स्टेशन के आसपास काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको खाने की ज़रूरत थी, वो हमने पिछले एक महीने में एक तरह से फ्री मील की व्यवस्था करी और 4.7 मिलियन फ्री मील्स अभी तक हमने दी। तो ये एक भारतीय रेल का प्रयास था कि कोविड केयर के लिए उसमें अपना भारतीय रेल योगदान दे। और अंत में मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रवासी श्रमिक के लिए जो हम ट्रेन चला रहे हैं वो राज्य सरकारों से समन्वय करके और जो उनकी रिक्वायरमेंट आ रही है उसके हिसाब से हम ट्रेनों को शेड्यूल कर रहे हैं। अगले 10 दिनों के लिए हमने ऑलरेडी ट्रेनें शेड्यूल कर रखी हैं और उसके बाद भी अगर कोई भी ट्रेन की ज़रूरत पड़ती है तो भारतीय रेल उसके लिए भी ट्रेन शेड्यूल करेगी। और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ भी ज़रूरत पड़े और भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन पे अगर उनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत हो तो हम कम से कम समय पे उस स्टेशन से ट्रेन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमने अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे इमरजेंसी रेक्स तैयार करके रखे हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पहले एक ऑनलाइन क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ चार्जिंग ऑफ तेव्हा कोरोनाच्या या संकटामध्ये भारतीय रेल नेमकं काय करते, भारतीय रेल्वेकडून कशा प्रकारे मजुरांना आपल्या गावी पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत आणि किती लोकांना आतापर्यंत पोहोचवलं याची सगळी आकडेवारी त्यांनी दिलेली आहे। यासोबत बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय। ताज्या घडामोडींसाठी बघत राहा न्यूज 18 लोकमत।